हिंदुस्तान औसतन एक युवा और भावुक देश है। अब जमाना बदल रहा है, जरूरत है कि देश की सियासत, सोच और उसका ढंग भी बदले। मेरे बाद तुम्हारा नाम प्रपोज करेंगे तो नाम मत करना। बहुत ध्यान से सुनो जो मैं कहने जा रहा हूँ। राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल में एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज की जाएगी। इसमें आई विल बी स्वॉन बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। इट्स नॉट फनी सर। मेरे फेसबुक अकाउंट से मेरे फोटोज क्यों डिलीट हो रहे हैं? गर्लफ्रेंड पूछ रही थी। सैलरी कितनी दे रहे हैं तुम? 50,000 रुपीस। कैबिनेट सेक्रेटरी। योर राइट हैंड सर। दिस इज माय राइट हैंड। आई मेंट आई एम योर राइट हैंड सर। कम ऑन मैन, आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। बोलो क्या जी? शाहरुख खान। कम ऑन मैन, आई थॉट यू वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। अगर ऐसा ही चलता रहा सरकार चलाना असंभव। लाफिंग स्टॉक बनोगे तुम पूरे देश के लिए। कि तुम एक जगह टिक के नहीं रह सकते। और हाँ, तुम अपनी गर्लफ्रेंड भी खो दोगे। अट्ठाईस साल के लड़के क्या करते हैं ये तो आप जानते ही हैं। और अब मैं जो करूंगा वो भी आप देखेंगे। युवाओं को दिए जाने वाले लोन्स पर अगर बैंक्स हॉलीडेज पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते तो इससे जरूर लोकल एक्सचेंज को लॉस होगा। पर इससे जो युवाओं का कॉन्फिडेंस आप जीतेंगे उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर इसके चलते आपको लगता है कि मैं अपने कर्तव्य से चूका हूं तो मुझे वोट मत दीजिए, पर वोट जरूर दीजिए, क्योंकि ये आपका हक है। जय हिंद।